भाई अपने अपने मोबाइल संभालो, अगर इसको कुछ हो गया ना तो लग गए। अरे वैभव, मोबाइल विबाइल की बात छोड़, पहले मेरी बात सुन। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन। हाँ, कर लो, ये भी ख्वाहिश पूरी कर लो। चलो बको, भाई मेरी बात तो सुन यार, पहले बात तो सुन। जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। हम ना वो सामने वाला गैलरी जो है ना, वहाँ खड़े थे सामने वाला गैलरी में, वो कबूतर उड़ाने के लिए गए थे। हम कबूतर को उड़ाने के लिए आवाज़ मारी। ये काम कब से स्टार्ट किया तुमने? सामने की गैलरी में जो लड़की है ना, उन्हें लगा हमने आवाज़ उन्हीं को मारी है। गया फेंकना चालू तुम्हारा, सुन रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी फेंकोगे। वो जो कन्या है वो डेली वहीं पे आके खड़ी होती है, हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है भाई, डेली खड़ी रहती है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो, कौन सी वाली गैलरी? हमको भी बताओ कौन सी गैलरी। अरे वही सामने के गैलरी वाली, शर्मा जी की बेटी। सच में? हाँ, वो हाइटेड लड़की की तो बात नहीं कर रहा, जिसके पास वो होड़ा वोड़ा फोन वाला कुत्ता है? हाँ, वही हाइटेड वाली, जिसके बाल छोटे हैं। सत्यानाश, तुम्हारा स्टोरी चालू होने से पहले बंद। वैभव मेरे, मुझे बता क्या हुआ। अबे वो बहरी है, किस बात में समझाऊं तुमको, बहरी है वो लड़की। साला मेरी किस्मत खराब है, तुमसे बतियाना ही गलत है। अभी वो गवर्नमेंट का रूल लगा है, इसलिए वो लड़की गैलरी में खड़ी रही थी। तुम्हारी किस्मत तो वैसे ही फूटी है, लग गए मेरे को देख रही थी। बस कर, ज्यादा उछल मत, अभी जले पे नमक छिड़कना बंद कर। तुम्हारी हालत देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। साला मेरे को रहना ही नहीं है इसके साथ, बाढ़ में जाए सब, दिमाग का दही कर रखा है। जॉब भी मैं ही करूँ, बच्चों को भी मैं ही संभालू, मैं क्या 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 करूँ, तू बता मैं क्या क्या करूँ। तुझे क्या हुआ अप्पा? हाँ भाई, और तुझे क्या हुआ? या मेरा अलग है और तेरा कुछ नया लेके आ गया तू? और शांत हो जा, पहले शांत हो जा भाई, बात तो सुन, शांत हो जा, शांत हो जा। तू बता और तू भी बता मैं क्या क्या करूँ। लगता है साला बीवी से झगड़ा करके आयला है। तू चुप हो जा, सबकी बीवी तेरे जैसी नहीं होती, ठीक है? तुमको शांति से बताता हूँ, पहले सुनो। मैंने उसको कहा मैं मंदिर जाके आता हूँ, शर्मा जी बुला रहे हैं, उनके साथ जाके आता हूँ। तो उसको पूछे बिना मैंने शर्मा को हाँ बोल दिया। बस तूने हाँ क्यों बोला, इस वजह से भाई भाई मेरी सब सत्यानाश करके रख दिया भाई। पा मेरे भाई, सही तो है भाई, एक बार सोच तो ले तू। और नहीं, मेरे को सोचना नहीं है कुछ, तू चुप बैठी हो, उसकी साइड हमेशा लेता है, तू मत ले मेरे, मेरे को सोचना ही नहीं है। सोच सोच मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो सही। सुननी नहीं है मेरे को बात, सुननी नहीं, इस बार पानी यहाँ तक आ गया, मेरे को सुननी नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ मैं उधर, पता है क्या? सोच ले, देख बच्चे को संभाले, खाना बनाए, टाइम पे तेरे को टिफिन ला के दे, ऑफिस में पहुंच गया ये पूछे, दिन में 3 बार कॉल करे पूछे खाना खा लिया तबीयत ठीक है, निकले हो या नहीं सर, अगर ऑफिस में ओवर टाइम में लेट हो गया तो वही कॉल करके पूछती है ना कि ठीक से निकलने वाले हो, कब निकलने वाले हो, इतना ध्यान तुम रख सकते हो क्या? हाँ वैभव की बात इस बार सही है भाई। कभी खुद से लोटा भर के पानी तो लेके पिया है, उनको कोस रहे हो? हाँ तुम भी, ज़्यादा मत उछलो। बात तो 100% खरी खरी है बंदे ने। एक दफ़ा एक काम करो, ऑफिस की छुट्टी ले लो, और भाभी को बोलना कि तुम बैठो, तुम्हारा सब काम मैं करता हूँ, फिर देखना तुमको कैसे लगता है सुबह दूध लेने से, तो शाम के सोने तक सब तुम्हारा बिछाना बना के देना सोने के लिए, उसके बाद उनको कोसना स्टार्ट करो। कभी कभार उनका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है यार, उनको समझ लो, औरतों को घरवाली औरतों को समझेंगे तभी जिंदगी आगे बढ़ेगा भाई, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। देखो एक बार देखो, तुम बीवी मायके गई, पहला दिन तो तुम खुश हो तो होंगे, दारू वारू की पार्टी वार्टी चलती रही होंगी, दूसरे दिन से सोचो घर की क्या हालत होती है, घर कम कूड़ा खाना ज़्यादा दिखता है। उनके जितना एक भी काम कभी करके देखो, महिलाएं हैं इसीलिए घर घर है, परिवार परिवार है, वरना कुछ नहीं होता। अरे हाँ यार, ये भी तो बात सही है। वाह भाई वाह, आज तो दिल खुश करा आपने, सही लग गया भाई। हमेशा गुस्से करने से एक बार मुझे सोचना चाहिए था, मुझे अब शर्मिंदगी लगती है, ऐसे गुस्से से निकल के जो आया तेरे पास। सोच सोच मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है मैं अब भी जाके माफ़ी मांग के आता हूँ। असली मर्द तो वही है जो औरतों की इज्जत करे। तो मैं माफ़ी मांग के आता हूँ भाई, चलो आराम से चलता हूँ। शर्मा की बेटी शायद मेरे लिए रुकती हो, क्या पता।